भाई ये मुर्ग मेथी वाला ना, कसम से अब ना मुझे बटर चिकन से ज़्यादा अच्छा लगने लगा। बिहाइंड द कैमरा से इशारे हो गए थे भाई। लड़के तो छोड़ो, लड़कियां तक हेट कमेंट्स करती है, बताओ। ये देखो भाई क्या मसालेदार लेग पीस है ये। हेलो गाइस, दिस इज अजय, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आज भी ना थोड़ी महंगी वाली बातचीत है। मतलब मैंने ना तीन अलग अलग टाइप का चिकन मंगा रखा है, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रेस्टोरों से जो थोड़ा कॉस्टली है। तो आगे बताता हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें मंगा रखी है। तो लेते हैं खाने के मज़े विद अजय और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्वैग से, पेप्सी के साथ। सो गाइस, आज का सारा खाना ना मैंने जाफरान करीज एंड बिरयानी से मंगा रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास है भाई अमृतसरी मुर्ग मक्खन वाला, ये है मुर्ग मेथी वाला, और यहाँ पर है मैंगलोर घी रोस्ट मुर्ग। ये सारे के सारे भाई 325 रुपये का ईच है, और इसमें सिर्फ 2 पीसेज आते हैं। किसी किसी में इन्होंने 3 भी दे रखे हैं, पर मेन्यू में सिर्फ 2 ही मैंशन था। तो देखते हैं भाई ये एक्सपेंसिव चिकन कैसा होता है। पर उससे पहले ना भाई सोचो, चिकन के साथ साथ ना मुझे ना आलू खाने का मन कर रहा था, तो मैंने अपने लिए मंगा रखा है भाई हनी चिली पटैटो। पता नहीं क्यों आज मन हो रहा था इसे खाने का, तो देखते हैं भाई कैसा होता है। परफेक्ट भाई, मतलब प्रॉपर स्पाइस लेवल, हल्की सी स्वीटनेस, इसे बोलते हैं भाई हनी चिली पटैटो। वरना ना लोग काफ़ी मीठा कर देते हैं इसको, और काफ़ी क्रिस्पी भी हो रहा है। ये देखिए ऐसा कुछ है दिखने में। गजब, मजेदार भाई। भाई ये बाद में निपटाएंगे, अब सीधा मेन कोर्स की तरफ बढ़ते हैं। भाई ये है चीज नान। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं भाई अमृतसरी मुर्ग मक्खन वाला, ये मैं फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने तो इसको ना बटर चिकन समझ के ऑर्डर कर रखा है। आया है बेहतरीन भाई। मतलब अमृतसरी मुर्ग मक्खन वाला एक तरीके से बटर चिकन हुआ, काफी अच्छा टेस्ट है भाई इसका। तो नेक्स्ट टेस्ट करते हैं मुर्ग मेथी वाला, रुमाली रोटी के साथ ट्राई करेंगे। गजब लग रहा है। गजब भाई, बहुत गजब फ्लेवर आ रहा है इसमें से, मतलब प्रॉपर क्रीमी क्रीमी सा फील। भाई ये मुर्ग मेथी वाला ना, कसम से अब ना मुझे बटर चिकन से ज्यादा अच्छा लगने लगा। सो गाइज, अब ट्राई करते हैं लेग पीस, काफी छोटा है भाई।
भाई सीरियसली बहुत बेहतरीन टेस्ट हो रहा है इसका। और जब भी भाई खाने का टेस्ट इतना ज़्यादा अमेजिंग होता है ना, तो मैं ना ज़्यादा बातें कर नहीं पाता हूँ, मेरा फोकस खाने पे रहता है। तो भाई अब टेस्ट करते हैं मैंगलोर घी रोस्ट, मेरे ख्याल से एक बंगाली डिश है, तो ट्राई करके देखते हैं इसे। मतलब घी रोस्ट तो मैंने सुना है। ये देखिए भाई, इसकी ना काफ़ी थिक ग्रेवी है और इसमें ना मुझे करी लीव्स भी दिख रही है। ये वाला थोड़ा स्पाइसी साइड पे है। मतलब इसका ना स्वीट एंड स्पाइसी टेस्ट है। इसकी जो ग्रेवी है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्याज डला है, तो हल्की सी स्वीटनेस आ रही है। बाकी जो मसाले डले हैं ना, उसकी वजह से स्पाइसीनेस आ रही है। तो भाई अब टेस्ट करते हैं गार्लिक नान के साथ। पीस पीस साइड करते हैं पहले। बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी है। तीनों के तीनों चिकन एक से बढ़कर एक हो रहे हैं भाई। स्वाद आ गया भाई कसम से। अपने अमृतसरी बुर्ग मक्खन वाला पे आते हैं। ये ना एक तरीके से बटर चिकन ही है, बट काफी फ्लेवरफुल है भाई ये। पीस ट्राई करते हैं अब। एकदम प्रॉपरली कुक्ड है भाई। मज़ा आ गया भाई। भाई अभी तक तो सबसे बेस्ट मेरे को ये मुर्ग मेथी वाला ही लगा है। अब अपना फेवरेट पीस खाते हैं, थाई वाला। मिस फायर। बहुत ही ज्यादा जबरदस्त भाई। सो गाइस, शाउट आउट का टाइम आ चुका है। मेरी लास्ट वीडियो में फर्स्ट कमेंट था इनका, बाकी जो बेस्ट कमेंट्स होंगे वो मैं स्क्रीन पर डालूंगा। थैंक यू सो मच गाइस अपने प्यार और सपोर्ट के लिए। अब हम 12,000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है,
तो भाई जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो और पार्ट बन जाओ भाई हमारी फैमिली का। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और खाते हैं भाई ये स्पाइसी लेग पीस। ये देखो भाई क्या मसालेदार लेग पीस है ये। चटपटा भाई, कसम से भाई क्या गजब हो रहा है ये। और गाइस मुखबांग करते करते ना अब मैं भी थोड़ा मैच्योर हो गया हूँ। पहले ना मैं नेगेटिव कमेंट्स को रिप्लाई करा करता था, पढ़ा करता था, दिल से लगा के बैठ जाता था कि यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है। अब फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं और कमेंट सेक्शन में प्यार देते हैं ना भाई, मेरे को वही लोग मिलने काफ़ी हैं। तो आप हेटर्स करते रहो कमेंट भाई, लड़के तो छोड़ो, लड़कियां तक हेट कमेंट्स करती है बताओ। ये देखिए इसमें ना कड़ी पत्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। सो गाइस जो ये मैं बात कर रहा था ना वो मैं लापिनोज वाली वीडियो की कर रहा था। बट सच बताऊं भाई उन हेटर्स से ज्यादा ना मेरे को अपने सपोर्टर्स की खुशी हुई, जिन्होंने भाई मेरे को बहुत ज्यादा डिफेंड किया और काफी अच्छे अच्छे कमेंट किए। सीरियसली बहुत ज्यादा खुशी हुई। इसके बाद ना एक वीडियो, इससे पहले एक वीडियो आ चुकी होगी क्योंकि मैं ये वीडियो एडवांस में शूट कर रहा हूँ, तो उस वीडियो के कमेंट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। अभी तक इनका टेस्ट सही आ रहा है भाई। स्पाइसी हो रहा है भाई। काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसका, परफेक्ट स्पाइसी और हल्का सा स्वीट। गैस एक सीक्रेट रिवील करना है अभी के अभी। आपको लगा होगा ना मैंने बड़े प्यार से अनिका को दिया है अपनी मर्जी से, बट ना बिहाइंड द कैमरा से इशारे हो गए थे तो देना पड़ा है। कह रही थी ऐसे बोल के मत देना। सो गाइज आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
और हाँ गाइज, आप ना अनिका को परमानेंट करने के लिए कह रहे थे वीडियो में कि व्यूज़ अच्छे आएंगे, सब कुछ अच्छा होगा, बट यार उसके पीछे ना एक प्रॉब्लम है। जितना वर्कआउट मैं कर सकता हूँ ना ये सब कुछ पचाने के लिए या फिर डाइट कर सकता हूँ, वो उतना अनिका नहीं कर पाएगी, तो उसकी हेल्थ के लिए सब कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होंगी। तो इसी वजह से मैं अनिका को परमानेंट नहीं कर सकता हूँ, यहाँ तक कि वो महीने में सिर्फ एक ही वीडियो करती है, हमारी सुपर सेलिब्रिटी। सच बताऊँ तो मुझे अनिका के साथ वीडियो करने में भाई बहुत मज़ा आता है। अनिका को ना व्लॉगिंग चैनल में आने का बड़ा शौक है, मुझे नहीं लगता बट मैं खोल पाऊंगा। गाइस मजाक कर रहा था, मैंने अनिका को अपनी मर्जी से दिया था, नाराज हो गई हो, कह रहे तो मेरी बेइज्जती करते रहते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने उसे अपनी मर्जी से दिया था क्योंकि सही में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। थोड़ी सी स्माइल तो आई है। मैं भूल गया था कि मैं गलत जगह पंगा ले रहा हूँ, अभी इस वीडियो के बाद तो इसी घर में रहना है मैंने। सो गाइज मज़ा आ गया आज की वीडियो में, सीरियसली आप लोगों से बातचीत करके ना मेरा मन हल्का हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।